8 मार्च और आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल डे है जी। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे और सभी मातृशक्तियों को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस खूबसूरत सी सुबह के साथ आज के इस दिन को स्पेशल बनाते हैं। तो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आयुष, आप भी मेरी तरह एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूँ अंकिता, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि आज हमारे ऑफिस में भी महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए अपने घर के महिलाओं को भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो हैप्पी वुमेन्स डे मॉम, ये यहाँ पे निक्की बेटी को भी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। और अभी ये की, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है और साल 2016 से हम इस महिला दिवस को फुली कॉफी के रूप में मनाते हैं। और हमारे जो भी फील्ड एरिया है और जहाँ वहाँ पे की सभी महिलाएं जो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उन सभी का आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। डांस हो गया, फोक सॉन्ग हो गए और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं और सारे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अभी जब से 2020 के बाद से, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, तो पिछले साल 2021 में भी हमने वर्चुअली किया था क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से आप इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम होता है तो उसमें लगभग 1000-2000 से ऊपर महिलाएं रहती हैं। तो इस साल भी 2022 में भी हम इसे वर्चुअली कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है स्टार्ट। ये रहा हमारा बैनर। सभी महिलाएं पहुंच गई हैं और बस अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो हम भी चलते हैं। फ्यूली कॉफी के इस वर्चुअल प्रोग्राम में कुछ गेस्ट भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहे जिन्होंने कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष फ्यूली कॉफी महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है और ये महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से होती हैं। कोई पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से है, कोई शिक्षा के क्षेत्र से है, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र से है, कोई उद्यमिता के क्षेत्र से होती हैं, कोई नेतृत्व के क्षेत्र से होती हैं। तो इस बार हमारा बड़ा प्रोग्राम नहीं है और हम इसे वर्चुअली कर रहे हैं, तो इस बार हम 2 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो कि एक उद्यमिता के क्षेत्र में है और एक कला के क्षेत्र से है। ये हैं दीना देवी जी जिन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष उद्यमिता के क्षेत्र में सम्मानित किया है। और ये हैं डिंपल रावत जिन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष कला के क्षेत्र में सम्मानित किया है। और ये हैं उनके द्वारा बनाए गए कुछ आर्ट्स। दूसरा साइड के पास
और ऐसे ही अन्य जगहों पर भी अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो ये देखिए, आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे मोहल्ले की महिलाओं द्वारा कीर्तन किया जा रहा है। दुनिया वालों मुझे बता दो दीदी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो दीदी क्या संतान नहीं। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी तीन को तारती है, बेटी तीन को तारती है, माता पिता नाना नानी के सपनों को ये सवारती है, माता पिता नाना नानी के सपनों को ये सवारती है। बिन बेटी वाला कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी के पगड़ी बांधे साथ करते हैं ब्लॉग को यही एंड। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जल्दी अगले नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।